गाइस, वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है, प्रक्षेप्य गति क्या होती है, इसका हम विस्तृत से एकदम थोरोली अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी कि प्रोजेक्टाइल का पथ, प्रक्षेप्य का पथ। अब देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब हिंदी में कहेंगे प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप्य गति। तो ये प्रक्षेप्य जो होता है, ये प्रोजेक्टाइल होता क्या है, देखिए ये 2D मोशन होती है, ये 2-डायमेंशनल मोशन है। इसमें हम दो डायमेंशन यूज करते हैं, वाई एंड एक्स, ठीक है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। यहां पर क्या होता है, एक पार्टिकल होता है, प्रक्षेप्य बॉडी है, एक पार्टिकल है जिसको इनिशियल वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर, किसी एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाता है किसी डायरेक्शन पे। तो वो एक पाथ को फॉलो करता है, उस पाथ को कहते हैं प्रोजेक्ट ट्रेजेक्ट्री, उसको क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य पथ, यानी ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। और इस मोशन को कहा जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी के साथ, इनिशियल इंक्लाइन वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया जाएगा। जब वो इनिशियल इंक्लाइन वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट करेंगे तो वो एक पाथ को फॉलो करेगा जिस पाथ को कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। और इस पाथ पर पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो यू रहती है, यू इनिशियल वेलोसिटी के साथ एंगल थीटा के साथ, कितने एंगल के साथ, थीटा एंगल के साथ, किसी एंगल पर पार्टिकल को या बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाता है, तो वो एक पाथ को फॉलो करता है। इस मोशन को कहा जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी प्रक्षेप्य गति, ठीक है। ये जो पथ आपको नजर आ रहा है, ये पैराबोलिक पथ नजर आ रहा है, ये कहलाता है प्रक्षेप्य पथ, जिसको हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। ये क्या है आपका, ट्रेजेक्ट्री, यानी प्रक्षेप्य पथ, प्रक्षेप्य पथ, ठीक है, ये ट्रेजेक्ट्री कहलाता है। देखिए यहां पर इस इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनते हैं, y डायरेक्शन पे बनता है uy एंड x डायरेक्शन पे बनता है ux। ux क्या होता है, u cos थीटा, एंड uy क्या होता है आपका, u sin थीटा। ये ध्यान रखना है आपको, प्रोजेक्टाइल मोशन पे इस u इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनेंगे uy एंड ux, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल के बारे में आपको पता चल गया, प्रोजेक्टाइल मोशन होती क्या है और प्रोजेक्टाइल क्या होता है। एक बॉडी होती है जिसको हम क्या करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट करते हैं किसी हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल पर, हॉरिजॉन्टल के साथ यानी क्षैतिज के साथ किसी कोण पर, एक पार्टिकल को, एक कण को एक किसी दिशा पर फेंका जाता है। तो वो जो पथ को फॉलो करता है, वो जो पाथ को फॉलो करता है, वो पाथ कहलाता है प्रक्षेप्य पथ, यानी ट्रेजेक्टरी। और ये मोशन कहलाती है प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो ये आपको देख सकते हो, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 u है, और यहाँ पर आप देख सकते हो इसके दो कंपोनेंट है ux एंड uy। ux कितना है, u cos थीटा, uy कितना है, u sin थीटा है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना है, ट्रेजेक्टरी इसकी फाइंड आउट करनी है, इसका प्रक्षेप्य पथ निकालना है। प्रक्षेप्य पथ निकालने के लिए सबसे पहले हम विचार करेंगे इसकी हॉरिजॉन्टल मोशन पे। तो फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, तो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए, यानी कि इसकी जो क्षैतिज गति है, आप देख सकते हैं ये वाली क्षैतिज गति, जब पार्टिकल एक डायरेक्शन पे फॉलो कर रहा है, एक पार्टिकल ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है, एक तो इसकी गति हो रही है वर्टिकल मोशन और एक मोशन हो रही है हॉरिजॉन्टल मोशन। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल मोशन क्षैतिज गति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो क्षैतिज गति में हम सबसे पहले सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, x विद रेस्पेक्ट टू टाइम इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब आपको पता है जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है, ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस के अंडर में होती है, तो यहां पर सिर्फ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी ही रहता है, यानी वर्टिकल एक्सेलरेशन ay equals to g होता है। यहां पर आपको याद रखना है, यहां पर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 रहता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे क्षैतिज दिशा में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है,
वर्टिकल एक्सेलरेशन जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी, गुरुत्वाकर्षण होता है, क्योंकि ये पूरी मोशन किसके अंदर में हो रही है, ग्रेविटी के अंदर में हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस के अंदर में हो रही है, और दिस इज द मैक्सिमम हाइट h। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से ये मोशन रहती है। अब देखो xt ux plus half axt square, यहां पर हम ux की वैल्यू रख देंगे u cos theta, ax मैंने आपको बता दिया जीरो रहता है, एंड दिस इज द t स्क्वायर एंड दिस इज द x टाइम के रेस्पेक्ट में, तो x इक्वल्स टू u cos theta, ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास यहां से t की वैल्यू आ जाएगी, t इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x विद रेस्पेक्ट टू t अपॉन में u cos theta। यहां से t की वैल्यू कितनी आ गई, टाइम, यहां से हमारा जो टाइम है पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन का जो टाइम होता है t टाइम में प्रोजेक्टाइल इस पूरी मोशन को कंप्लीट करेगा, तो वो t टाइम क्या हो गया, xt अपॉन में u cos theta। ओके, अब देखिए ये था हॉरिजॉन्टल मोशन पे, अब वर्टिकल मोशन पे आ जाते हैं। तो फॉर वर्टिकल मोशन, फॉर वर्टिकल मोशन यानी कि ऊर्ध्वाधर गति के लिए, वर्टिकल मोशन के लिए क्या होगा, यहां पर हम यही इक्वेशन लगाएंगे बट y एक्सिस की रेस्पेक्ट में, तो yt इक्वल्स टू uyt प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यू आई की वैल्यू कितनी है बेटा, यू साइन थीटा, और ये टी तो रहेगा यहां पर, प्लस हाफ ए वाई होता है जी टी स्क्वायर एंड दिस इज द वाई टी। ओके, वाई इक्वल्स टू, यहां पर वाई टी है ध्यान रखना, वाई टी इक्वल्स टू यू साइन थीटा स्क्वायर, इसे ध्यान रखते हैं यू साइन थीटा प्लस हाफ जी टी की वैल्यू यहां से रखेंगे, एक बार मैं इसको यहां लिख देता हूं जी टी स्क्वायर, टी की वैल्यू हम यहां से पुट करने वाले हैं, तो यू साइन थीटा प्लस टी टी की वैल्यू क्या रखेंगे, ये वाली एक्स की अपॉन में यू कॉस थीटा, प्लस हाफ जी, ये वैल्यू दोबारा रख देंगे पर इस पर टी स्क्वायर है, तो एक्स विद रेस्पेक्ट टू टी अपॉन में यू कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो गया टी स्क्वायर होने के कारण। अब देखिए यू से यू कैंसिल, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो एक्स टी टेन थीटा प्लस हाफ जी, इसका स्क्वायर कर दो, क्या इक्वेशन आ गई, x की tan theta plus half g x square t upon में u square cos square theta। अब देखिए इस इक्वेशन को मैं दोबारा से लिख रहा हूं, यहां पर ये फाइनल इक्वेशन हमारी y t equals to क्या आएगी, x t tan theta plus half g, और ये पूरा ब्रैकेट में लिख दो, x स्क्वायर t अपॉन में u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये आपकी क्या कहलाती है, ट्रेजेक्ट्री कहलाती है, ये है आपका प्रक्षेपपथ, और ये इक्वेशन किसकी होती है, yt equals to x t tan थीटा plus half g x स्क्वायर t अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन होती है पैराबोला की, पैराबोलिक पाथ होता है ये, पैराबोला की इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन से ये पता चल रहा है कि जो प्रोजेक्टाइल होता है ये पैराबोलिक पाथ को यानी कि परवलयाकार पथ को फॉलो करता है, ये पैराबोला क्यों है, देखिए y equals to x square की पैराबोला की इक्वेशन होती है, y equals to x square क्या होता है, पैराबोला की इक्वेशन होती है और इसी को फॉलो कर रहा है। अगर मैं थीटा को 0 रख दूं, क्या रख दूं, थीटा इक्वल्स टू 0 रख दूं, तो देखो tan थीटा 0 हो जाएगा, tan 0 कितना होता है 0 होता है, cos 0 कितना होता है बेटा 1 होता है, तो यहां से y किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए yt जो होगा वो हो जाएगा half g
x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर t अपॉन में u स्क्वायर k। ओके देखो ये इक्वेशन ये पूरा कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है, ये पूरी इक्वेशन इस पैराबोला की इक्वेशन को फॉलो कर रही है थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल जो मोशन होती है, ये जो प्रक्षेपित पथ इसमें बनता है, ट्रैजेक्टरी जो बनती है प्रोजेक्टाइल की, वो कैसी होती है, एक पैराबोला होती है, एक पैराबोलिक पाथ को वो फॉलो करता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन होती क्या है, एक बॉडी को इनिशियल इंक्लाइंड वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया जाता है एंगल बनाते हुए, हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल पर बनाते हुए उसे प्रोजेक्ट किया जाता है। तो वो पाथ जो फॉलो करता है, अ बॉडी व्हिच फॉलोस सब्सीक्वेंट पाथ व्हिच इज पैराबोलिक इन नेचर, वो कैसा होता है, पैराबोलिक पाथ होता है। और ये जो मोशन कहलाती है वो क्या कहलाती है, पैराबोला प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाती है। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन होती क्या है ये आपको मैंने बता दिया, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद एन एंगल थीटा which follows a parabolic path which is called trajectory, the motion is called projectile motion। वो motion क्या कहलाती है, प्रक्षेप्य गति कहलाती है, projectile motion कहलाती है। तो ये अभी आपने जो study किया था ये क्या था, projectile motion का trajectory, हमने प्रक्षेप्य पथ के बारे में अध्ययन किया, इसकी जो प्रक्षेप्य पथ की जो equation आई है, trajectory की जो equation आई है, yt equals to x tan theta plus half g x square t upon u square cos square theta, तो ये इसकी इक्वेशन होती है। और ये किसकी इक्वेशन है, ये पैराबोला की इक्वेशन है, परवलय की जो इक्वेशन बनती है आपकी वो इसकी इक्वेशन होगी, y = x square। ओके थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पे ये इसी इक्वेशन को फॉलो करता है, इसलिए ये पूरी इक्वेशन किसकी होती है, पैराबोला की इक्वेशन होती है। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे और इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज की कैलकुलेशन अगले सेशन में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।